दोस्तों सदाबहार का पौधा के बारे में आज आपको कुछ जानकारी देंगे। सदाबहार का पौधा आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, सदाबहार का पौधा में देखभाल कैसे कर सकते हैं, यदि सदाबहार का पौधा में आपका फूल नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप क्या इसके अंदर डालें, जो आपको जिस तरह हमारे गमले में आप सादा फूल देख रहे हैं, और सादा फूल जो होती है वो हमारे शरीर में क्या काम करती है। दोस्तों ये चीज़ आपको मालूम होगा या नहीं होगा तो आज की ये जानकारी में देंगे कि हमारे शरीर में यदि शुगर की मात्रा का लेवल ज़्यादा हो जाती है, जिसे कहते हैं शुगर का शिकायत, तो उसे ख़त्म करने के लिए ये रामबाण इलाज है। यदि नहीं जानते हैं इसके बारे में तो वीडियो में हमारे बने रहें, हम सारे फूल ही जानकारी देंगे ताकि आप इस सदाबहार का पौधा अपने घर में बारह मास, यानी कि जो कहते हैं कि ना सदाबहार का पौधा है तो ये हमारे घर में बारह मास रहते हैं, और अभी इसका सीजन चल रहा है जिसके कारण से हमारे गमले में आप फूल देख रहे हैं ज़्यादा मात्रा में हैं, पर अदरवाइज ये डोरमेंसी के जब पीरियड में रहते हैं तो इसमें फूल छोटा छोटा हो जाता है, पर फूल होता ही है इसमें। दोस्तों इसका देखभाल करना क्या है, सबसे पहला ये उपाय जानें। तो दोस्तों बताने से पहले एक बात का जानकारी दे दें कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो दोस्तों केवल एक काम जरूर करें, वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी जो है दोस्तों मई चल रहा है, पर मई ज़्यादा दिन नहीं है, यह अब जून आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये करना है कि जब भी आप पौधा लगाएं तो आप किस मिट्टी में लगाते हैं, तो दोस्तों कभी भी आप पौधा लगाएं, आप देख सकते हैं ये हम छोटा सा गमला में लगाए हुए हैं, ये स्नेक प्लांट है, और स्नेक की प्लांट में इसमें जड़ लाना है, तो इस तरह से हम केवल रेत, इस तरह से रेत में लगाए हुए हैं। तो आपको कभी भी सदाबहार का पौधा आप लगा रहे हैं तो आपको लगाना है बिल्कुल रेत में लगा के इसे बिल्कुल छाया वाला जगह में आप रख दें। इससे क्या होगा, तुरंत ही इसका हफ्ता दिन के अंदर आपको देखेंगे इसमें जड़ आ जाता है, और बहुत ही अच्छा उसमें हमारा कम ही समय में इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा दोस्तों इसमें औषधीय गुण से हम आपको जो बताए हैं, यदि आपको बहुत ही शुगर एक ऐसा बीमारी होता है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है, तो शुगर को हमें केवल अब जड़ी से, मतलब इसका लीफ से आप अपने शुगर लेवल को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। तो आपको खाना कितना है, आपको मात्र इसका छोटा लीफ, जैसे कि ये कोमल लीफ है, यहाँ से हम तोड़े ये कोमल लीफ, इसका आपको दो को केवल पत्ता खाना है सुबह खाली टाइम, और खाने के बाद आप अपने घर में जो भी दिन में काम करते हैं तो कम से कम एक घंटा के बाद आप नाश्ता करें, उसके बाद आप देखें जो शुगर लेवल आप 15 दिन के बाद अपने शरीर से नपाते हैं तो शुगर लेवल एकदम जो बराबर मात्रा में आ जाएगा। और ये दोस्तों बहुत ही आसान नुस्खा है, ये हम लोग घर में यूज किए हैं, और इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे जो एक मैडम बोल रही थी कि आपका बताया हुआ नुस्खा से हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया। तो दोस्तों इस तरह का सदाबहार का पौधा लगाने से एक घर में शुद्ध भी माना जाता है, और ये पौधा हमारे घर में वास्तु के हिसाब से ये पौधा रहना ही चाहिए, और ये पौधा में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छा इसका सर्वाइव होता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी आपको दिए हैं, ये जानकारी हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।